Good morning guys. Magnetic effect of electric current. So magnetic effect of electric current होता क्या है? जब किसी वायर में हम करंट देते हैं तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है. सो गाइज, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है. वायर के नज़दीक अगर मैग्नेटिक नीडल को रखा जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन पैदा होता है. और ये डिस्कवरी किसने की? सर हान क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ये बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट रहे गाइस. सो इनका मैग्नेटिक फील्ड से वैसे कोई लेना देना नहीं था, बट इनके एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती थी. जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पर इन्होंने जैसे ही वायर कनेक्ट किया, वायर में करंट आया, और करंट आने के बाद इन्होंने देखा कि पास में जो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी एक्सपेरिमेंट के टाइम पर, कोई टेबल पे ऐसे सामान बिखरा पड़ा था, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन पैदा हुआ. इन्होंने करंट को बंद किया और फिर ऑब्जर्व किया, उसका डिफ्लेक्शन बंद हो गया. तो चार पांच बार ऐसे करके देखा और फिर कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब ये है, अगर मैग्नेटिक नीडल को कोई डिफ्लेक्ट कर सकता है वो कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई चीज़ मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती. तो वहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया, और स्टीट साहब ने ये बात निकाली कि भैया अगर हम वायर के अंदर करंट देते हैं तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और अगर वायर के नज़दीक हम किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन पैदा होगा. अगर हम करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाती है. सो गाइज, अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कैसे देखें कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए एक नियम है, तो जो लॉ है एम्पियर स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है वायर में तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल का किस तरफ होगा. और ऐसा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के भी दिया जा सकता है कि बताइए वायर में करंट ऐसे ऐसे जा रहा है जी, और मैग्नेटिक नीडल की ये सिचुएशन है, बाजू में रखी है, तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है. सो गाइज, एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या है, मान लीजिए एक स्विमर, ये एक स्विमर है, ये इसका हेड है और ये इसके पैर है, राइट, ये सिर, ये पैर, और ये उस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है. तो वायर ऐसे है गाइस, करंट की डायरेक्शन ये है और ये स्विमर है, राइट. अब ये स्विमर ऐसे चल रहा है, तो अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इसके पैर से इसके सर की तरफ है, तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट साइड में, इस साइड में डिफ्लेक्ट होगा. तो मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल है, जैसे करंट आया तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, राइट. और अगर करंट की डायरेक्शन को हम बदलेंगे, उल्टा कर दे, सर की तरफ से पैरों की तरफ करंट की डायरेक्शन ये कर दे, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल फिर इस तरफ हो जाएगा राइट साइड में, राइट. तो अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली है फिट टू हेड, तो करंट की डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होगा ऐसे, राइट. सो ये हमारा डिफ्लेक्शन होता है. सो गाइज, हम एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं अभी कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है. सो गाइज, हमारे पास ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास जिसको बोलते हैं. सो ये डायरेक्शन दिखाती है, इस टाइम यहाँ पर ये अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में हमें बता रही है. सो ये वाला जो हमारा पोल है ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की तरफ इशारा कर रहा है, और ये वाला साउथ. एक्चुअली में इस मैग्नेटिक नीडल को बनाने में कुछ ना कुछ गलती हुई है मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि हमेशा जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेटिक नीडल का वो नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्शन शो करता है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है. सो गाइज, हम इसका ये वाला नॉर्थ पोल मानकर चलते हैं और ये वाला साउथ पोल मानकर चलते हैं, राइट. सो अर्थ का नॉर्थ पोल हमारा इस तरफ है, जहाँ जिस पोजीशन पे हम अभी खड़े हुए हैं, तो ये हमारा नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेशन कर रहा है. और ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर से हम इस वायर में करंट देंगे तो करंट की डायरेक्शन हमारी यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आने वाली है. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ सो गाइज,
ये हमारी मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा तो नॉर्थ पोल हमारा लेफ्ट साइड हमारी ये हो जाएगी, लेफ्ट साइड इस तरफ हमारा डिफ्लेक्शन शो होगा, और अगर करंट इस डायरेक्शन में देंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा इस तरफ होगा। सो गाइज अभी चेक कर लेते हैं, हमारा करंट हम देने जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और ये देखो हमारा तुरंत डिफ्लेक्शन राइट साइड में, अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मैग्नेटिक नीडल अपनी जगह पे वापस आ गई। तो जैसे ही हम इसमें करंट देंगे, करंट देते ही इसका डिफ्लेक्शन शो होता है, राइट। सो ये अब इसमें करंट चल रहा है तो राइट साइड में इसका डिफ्लेक्शन चला गया, और जितना हम करंट बढ़ाते चले जाएंगे गाइस, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सो गाइस जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना जितना ज़्यादा करंट हम देंगे वायर में, उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट को ऑफ करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन दोबारा से फिर मैग्नेटिक नीडल वहीं पर आ जाएगी, ये देखो राइट। सो गाइज अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सो गाइज अब मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, वायर को रोटेट कर दिया, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, अब करंट ऐसे आएगा हमारा और ये जाएगा नेगेटिव के अंदर। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अब हमारा डिफ्लेक्शन इस तरफ होना चाहिए, राइट। तो डिफ्लेक्शन हमारा इस तरफ आएगा। सो अब इसमें करंट देते हैं, जैसे ही करंट देंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, देखा आपने। सो ये हमारा अब इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, और अगर इसको हम बदल देंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अब ये करंट की डायरेक्शन बदल गई, डिफ्लेक्शन उधर पहुंच गया, राइट। और इसको रोटेट करते ही डिफ्लेक्शन भी बदल गया, राइट गाइस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे अभी और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं ऐसे ही सोलेनॉइड से रिलेटेड, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम कैसे मैग्नेट बनाए सोलेनॉइड के अंदर रखकर, वो एक्सपेरिमेंट भी हम करने वाले हैं। सो गाइस थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।